हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकम। और इस वक्त मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज मेरे साथ मौजूद एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्हें लेजेंड तो हम कहते ही है, साथ ही इन्होंने अगर वैम्प्स के रोल्स हो या कैरेक्टर रोल्स हो या इवन कॉमेडी हो, यू नो, या अगेन जो दोनों का फ्यूजन हो, इस सब रोल्स में शी हैज़ ऑलवेज बीन फैंटास्टिक एंड दैट्स बिंदु मैम। मैम, इट्स एन ऑनर बीइंग नेक्स्ट टू यू। माय प्लेजर। सो मैम, आपने बहुत सारे सॉन्ग्स पे परफॉर्म किया हुआ है एंड जो जिस तरह से एक होता है ना कि एक्टर और एक वॉइस, तो जो आशा जी की आवाज़ और आपका जो एक जो कोलैबोरेशन जो हुआ है, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैव सीन। तो कुछ बताइए आशा जी के बारे में। आशा जी के बारे में भी अभी उनके बारे में क्या बताएं, वो तो इतनी माहिर हैं। और रिकॉर्डिंग से पहले वो पूछ लिया करती थी कि कौन आर्टिस्ट इस पर परफॉर्म करने वाला है, तो उस हिसाब से वो अपनी आवाज़ का जो मॉड्यूलेशन है कि भाई ये फलाना आर्टिस्ट है, बिंदु जी है, हलन जी है, और भी बहुत सारे, मतलब उन्होंने हीरोइनों के लिए भी बहुत गाए, तो उस हिसाब से उनकी आवाज़ें, मतलब उसका, मतलब उनका मॉड्यूलेशन होता था। और बहुत ही खूबी से जब हम लोग उस पर परफॉर्म करते थे तो ऐसे लगता था कि हम खुद गा रहे हैं, आशा जी नहीं गा रही हैं हमारे, मतलब उस ज़माने में क्या, जैसे पीएल राज, कमल मास्टर, रॉबर्ट मास्टर, ये सब पुराने पुराने हमारे कोरियोग्राफर थे, तो उनके डांस के स्टेप्स और आशा जी की आवाज़ और हमारे लिप सिंक तो पब्लिक को तो दीवाना बना देते थे। पब्लिक तो छोड़िए, हमारे सेट पे भी जो होते थे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियन, दे ऑल यूज्ड टू गो गागा। So I think we cannot, I think the best song would be of course Shabnam. बात है उस रात की, मिले थे कभी, मैं थी, तुम थी, और वो डरो नहीं, बताऊंगी किसी से नहीं, मेरा नाम है शबनम, तुम्हारा नाम क्या है, नीना, मीना, अंजू या मंजू, नीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु। मजा आ गया। goosebumps, goosebumps, goosebumps. आज भी वही वाली बात। बट इतना परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन था वो। मैंने पंचम दा की भी बारे में कहीं पे पढ़ा था, उन्होंने भी यही कहा था कि वो सरप्राइज जब आशा जी ने जिस तरह से ये गाना गाया था, बहुत अच्छी तरह से गाया था, बहुत मजा आया था वो डांस करने में। और वो क्या, इत्तेफाक से हम लोग कहीं जू होटल में शूटिंग कर रहे थे और शशि कपूर जी भी वहीं शूटिंग कर रहे थे, तो वो आए थे सेट पे मिलने के लिए, तो बोले अरे अरे मैं तो इधर ही गिर जाऊंगा। वाओ, बहुत सारे गाने, हंगामा अगेन, यू नो, रवि टंडन सर हु जस्ट पास्ड अवे, उनकी फिल्म थी वो, पहली फिल्म थी, और वो गाना उस वक्त तो बहुत बड़ा हिट हुआ था, बट बहुत कम गाने ऐसे होते जो उस वक्त जितना पॉपुलर हुआ था उसके बाद जाके जब उसे ट्रिब्यूट हुआ क्वीन में, आई थिंक आज की जनरेशन जो भी क्लब्स में जाते हैं दे डांस टू दिस सॉन्ग, इट्स अ कल्ट एंड अमर सॉन्ग। कुछ बताइए, तो अभी वो ही हो गया है। तो जब मतलब ये गाना अनहोनी का गाना था, हंगामा हो गया, और पीएल राज कोरियोग्राफर थे उसके, तो उनको कोई नई बात बतानी थी, तो वो ज़माने में वो अपना हमारे सब डिस्को चलते थे, तो उसमें वो अपनी जो लाइट है सॉर्ट ऑफ कैलिडोस्कोप और जूम लाइटें, तो वो उन्होंने बोला कि मैं फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस करूँगा, तो उन्होंने वो किया कि वो जूम जाता था, जूम आता था, ऐसा करके क्या हुआ कि वो गाना पूरा कंप्लीट हो गया। और पीएल राज जी नटराज स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे और शम्मी कपूर जी भी वहाँ शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आप देखिए मैंने गाना जो पिक्चराइज किया है, आप देखिए फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से किया है, तो उन्होंने देखा, तो एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, कम से कम 15 से 16 बार देखा, और शम्मी जी का मुझे फ़ोन आया रात को कि बिंदु मैंने तुम्हारा वो गाना देखा, बोले कौन सा गाना, बोले हंगामा हो गया, अरे वाह, बोले मैंने 15 से 16 मर्तबा आपका गाना देखा है, बोले हिट सॉन्ग है एकदम। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। मैंने कहा शम्मी जी ऑफकोर्स सुर ताल के माहिर थे और ख़ुद अपना इतना अच्छा डांस करते थे, तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। और फिर गाना भी इतना, मतलब मैंने देखा था कि लोग जब गाना चलता था थिएटर में पैसे फेंकते थे, आई विटनेस दैट।
अमित जी की आपने बात की, यू नो यू हैव वर्क्ड विद हिम इनके बहुत ही अर्ली स्टेज में, जब वो स्टार भी सुपरस्टार भी नहीं बने थे, कुछ भी नहीं बने थे, उसके बाद ये फेज, यू वर्क विद गैरी चाल, यू वर्क विद अभिमान, ये फिल्म में भी आपने काम किया, जंजीर में तो यू दैट वाज हिज फेस ऑफ कमिंग, और उसके बाद भी आपने, क्या डिफरेंसेस लगे थे कुछ बताइए वो अर्ली वाले अमिताभ बच्चन के बारे में। वो भी मैं बताती हूँ, हम लोग मद्रास में शूटिंग कर रहे थे गहरी चाल की, तो जितेंद्र वॉज हीरो, हेमा मालिनी वॉज हीरोइन, और अमिताभ जी ने मेरा ख्याल है उनके भाई का रोल किया था, हेमा मालिनी के, और उस वक्त भी वो इतने अच्छे आर्टिस्ट थे, मगर लोगों ने उन दिनों उन्हें पहचाना नहीं था। उससे पहले भी उन्होंने दो तीन फिल्में की थी जो फिल्में चली नहीं, तो ये गहरी चाल, श्रीधर जी इतने बड़े डायरेक्टर फ्रॉम साउथ और बड़ा नाम, जितेंद्र, सब बड़े बड़े लोग, तो हमारी आधी फिल्म हो गई थी और हम लोग बॉम्बे वापस आ रहे थे फ्लाइट में, तो हम लोग सब साथ में बैठे थे, तो बोले ये तो पता नहीं इतनी मेरी सारी फिल्में दो तीन फ्लॉप हो गई है, अब ये चलनी चाहिए, अगर नहीं चली तो मुझे इलाहाबाद की टिकट निकलवानी कटवानी पड़ेगी। तो मेरे साथ मेरी हेडड्रेसर थी, वो थी चाइनीज़, आलिन उसका नाम था, तो बोले नो नो अमित जी, डोंट टॉक लाइक दैट, द गॉड इज देयर, ही विल डू देयर वे ऑफ स्पीकिंग नो चाइनीज, तो बोले रे रे प्रे फॉर मी। एनीवेज उसके बाद पिक्चर बनी और पिक्चर फ्लॉप हो गई, सो इट वॉज वेरी वेरी, पर उसी दरमियान हम लोग अभिमान भी कर रहे थे और जंजीर भी कर रहे थे, तो अभिमान में फिर बोले देखो अभी मुझे भी बिंदु अभी तक तो मैं हूँ गया नहीं हूँ, इलाहाबाद इधर ही हूँ, और फिर अपनी अभिमान हुई, और हाँ वो भी एक बात है अभिमान की बात, सारी इंडस्ट्री में हो के ऋषिकेश ने बिंदु को ले लिया, बिंदु को साइन किया, तो बोले ऐसी कौन सी फिल्म बना रहे हैं, मैं मतलब वैम्प डांसर, तो ऋषिदा ने मुझे बोला कि बिंदु किसी को बताना नहीं अपनी कहानी के बारे में, उनको जो सोचना है वही सोचने दो, मैंने कहा ठीक है मैं क्यों बताऊँ। एनीवेज पिक्चर कंप्लीट हो गई, पिक और थिएटर में लगी, तो मेरी एंट्री के साथ तो नेचुरली पब्लिक तो शुरू, ये आई कुछ तो करेगी ये आई और फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो लोगों को अच्छा भी लगा मेरा जो रोल था और जो उनके दिमाग में था कि भाई नहीं ये खाली वैम्प का रोल नहीं, ये भी रोल कर सकती है, तो पिक्चर बहुत चली और वो वन ऑफ द क्लासिक मूवी इन माय, मेरे भी लाइफ टाइम की क्लासिक मूवी है। एंड फिर तो अमिताभ जी ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, उसके बाद जंजीर दीवार, बट बिल्कुल मतलब अमिताभ जी इधर से एकदम ऊपर, बट विथ अस इज वेरी स्वीट हम लोगों ने, या ओके सो एक और सुपरस्टार राजेश खन्ना, यू नो उनके जो करियर के जो बेस्ट फेज था, जो उनकी लाइन से जो हिट्स आई थी, यू वर पार्ट ऑफ ऑल दोस हिट मूवीज, यस वो फेज में मतलब राजेश खन्ना वाज लाइक डेमिगॉड, एवरी गर्ल वाज पेंटिंग फॉर हिम, और आप उन हर फिल्म में यू हैड सुपर्ब सॉन्ग, सुपर्ब ट्रैक, इंक्लूडिंग मेरे जीवन साथी आल्सो, वेरी वेरी बिग एंड गुड ट्रैक, कुछ बताइए, और दुश्मन में वादा तेरा वादा, रेडियो नशा।